कैंट थाने की पुलिस ने आरएम रोडवेज के ऊपर जान से मारने के उद्देश्य से बस चढ़ाने का प्रयास करने वाले चालक को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को सदर तिराहा से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सुरेंद्र यादव पुत्र स्वर्गीय राम हरि यादव निवासी बारीपुर टोला पानपुर थाना भलुअनी जनपद देवरिया के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि 14 सितंबर को वादी धर्मेंद्र राय चालक इंटरसेप्टर परिवहन निगम गोरखपुर ने लिखित तहरीर दिया कि 12 सितंबर को 8:30 बजे शाम को बस स्टेशन गोरखपुर पार्किंग की ड्यूटी कर रहा था कि एक प्राइवेट बस रोडवेज के सामने चौराहे पर जाम लगाकर देवरिया के लिए यात्री भर रहा था, जिससे जाम लग गया था। उसी समय मैं व आरएम साहब मना किए तो हम दोनों पर जान से मारने की नीयत से बस चढ़ाने का प्रयास किया। हम लोगों ने बस चालक को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह बस चालक बस छोड़कर भागने में सफल हो गया, जिसके आधार पर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसको देखते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक अरुण कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल धीरज सिंह, कांस्टेबल आनंद सिंह, राजेश सिंह शामिल रहे। और सब जाते हैं कभी तक नहीं।